जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल नहीं लिखा है, तो प्लीज़ दोस्तों जय श्री महाकाल लिख दे और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए व्यूअर हो, अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि भारत का युवाओं का चैनल है एस्ट्रोलॉजी चैनल और निशुल्क ज्योतिष परामर्श देने वाला भारत का एकमात्र चैनल डॉक्टर ओम चो। तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। इस वीडियो में बात करता हूँ कि कन्या राशि को जातकों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग इन्हें बर्बाद कर देंगे। कई बार मुझे बहुत बार मैसेज मिलते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, पंडित जी इस तरह से ये घटनाएं हो गई, किसी और की गलतियां हम भुगत रहे हैं। तो जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको नकारात्मक विचार प्रदान करते हैं, इनसे लोगों से आपको दूर रहना है। ये बहुत ही समाज के लिए खतरा है, आपके लिए खतरा है, और ये लोग अपना जो कार्य है, अपने साथ जो हुए अनुभव घटनाएँ हैं, वो आपके साथ नहीं होगी। हर चीज़ आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है। आप बड़े भोले, सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आप हमेशा लोगों की मदद करने में विश्वास तो रखते ही हैं, साथ ही किसी का दर्द और दुख देखकर उसे महसूस करते हैं आप। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी बुरा नहीं होता है। और ये जो नेगेटिव लोग हैं ना दोस्तों, क्योंकि आप बड़े सहज हैं, किसी की बातों में आकर आप डाइवर्ट नहीं होते हैं, लेकिन उसकी बात को आप नकारते भी नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डाइवर्ट हो जाते हैं, आपका बुद्धि है, विवेक है, लेकिन बड़े सहज और सरलता का एक सबसे बड़ा तरीका है कि जो व्यक्ति कैसा बताता है, हाँ जी भैया ये सही है, जी भैया ये सही है, और आप उस तरह से रास्ते पर चल जाता है। तो पहली और मुख्य बात, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, उनके प्रोपोगंडा को आप समझें, उनके विचारों को समझें और एनालिसिस करें। दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। आप घर में भी देखते होंगे महिलाओं को चिल्लाया करते हैं या तवज्जो नहीं देते, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि महिला माँ है, शक्ति है, देवी का स्वरूप है, साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए उनका इज्जत करना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो आपको भी करना चाहिए महिलाओं की इज्जत। ऐसा नहीं है कि आप महिला हैं तो आप इस दायरे से बाहर हैं। उन महिलाओं से भी आप दूर रहें जो महिलाएँ महिलाओं की इज्जत नहीं करती, क्योंकि दोनों के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए, हमेशा महिला की इज्जत करना बहुत बड़ी प्राथमिकता है और करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक और विषय है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो लोग चुगलियाँ करते हैं, बार बार किसी की भी चुगली कर देते हैं आपको, किसी व्यक्ति विशेष की या बुराइयाँ करा करते हैं, तो वो मिसकम्युनिकेशन पैदा कर देते हैं, और कई बार ये लोग आपके लिए खतरनाक और भयानक बन जाते हैं। भयावक भी बनने के साथ ये लोग आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं और विवाद की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको विवादों में ताली बजाते हैं, आपको विवाद लड़ाई झगड़ा देखकर इन्हें मज़ा आता है। तो बस दोस्तों, आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, ईश्वर का नाम लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें, जय श्री महाकाल।